अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम सुबह के 10 और मोहम्मद के पापा जा चुके हैं काम पर। मोहम्मद यहाँ पर बिजी हैं, अभी उठ चुके हैं, अभी मैंने इनको फ्रेश भी नहीं किया, वैसे बैठे हुए हैं, अभी घूम रहे हैं पापा के साथ। कई थी चीज़ वगैरह लेके आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए मेरा कमरा कितना फैला हुआ, कितना गंदा सा हो रहा है। अभी मैं इसको सेट करूँगी। और किचन का मेरा अभी वही हाल है, अभी मैंने कोई काम वगैरह कुछ भी नहीं किया, सब देखिए बिखरा हुआ है सारा सामान। अब मैं अपना सारा काम वगैरह समेटूंगी। और ये देखें 10 बजे का टाइम, धूप कितनी अच्छी हो रही है, कितना अच्छा मौसम हुआ है। अभी गर्मी शुरुआत हो चुकी है तो धूप इतनी तेज़ होने लगी है। देखें सुबह के 10 बजे कितनी अच्छी तेज़ धूप आई है। चलिए चलते हैं अपने रूम में, फिर अपनी मैं अपनी सफाई वगैरह कर लूँगी, रूम वगैरह सेट करूँगी, फिर इसके बाद मिलते हैं कुछ देर के बाद। मोहम्मद हाय नो, मोहम्मद किचन में चले गए। मोहम्मद समझ रहे हैं कि मम्मा अभी कुकिंग करेंगी। मोहम्मद चले जी, फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद। अजान, देखा अजान कहाँ जाना, अजान ने भी अब चलना शुरू कर दिया माशाल्लाह। ये चार पाँव चलते हैं उसी तरह, पूरा घर में पूरा बेड पर घूम रहे होते हैं। अजान मियाँ पर कार्टून देख रहे हैं, इन भाइयों को कार्टून की लत लग चुकी है, कार्टून ना चले तो परेशान हो जाते हैं। अजान 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 हाय नो, मोहम्मद जल्दी हेलो, जल्दी 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 नो 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 जी जना। सो गाइस, मैंने अपनी सारे रेसिपी की तैयारी कर ली, आप देख सकते हैं। या मैंने हाफ टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया हुआ है और 1 टीस्पून से भी कम मैंने नमक लिया हुआ है, क्योंकि मैंने नमक अंडे और आलू बॉयल होते उसमें भी डाला था, थोड़ा सा उसमें मटर बॉयल होने इसमें मैंने ऐड कर दिया नमक। और यहाँ 2 अदद मैंने हरी मिर्च ली हुई है और थोड़ा सा हरा धनिया जो मैंने इस तरह बारीक कट कर लिया है, और एक मैंने दरमियानी प्याज ली हुई है उसको मैंने इस तरह बारीक चॉप किए, और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है, और टमाटर ना मैंने कुट कट किए हैं ना मैंने ग्राइंड किया, मैंने इस तरह टमाटरों का इमामदस्ते में इस तरह मैंने इसको कूट लिया टमाटरों को, मुझे इस टाइप के टमाटर चाहिए थे। और यहाँ मैंने 1 प्याली के करीब मैंने दही ली हुई जो मैंने फ्रीज में रखी हुई थी, इसको पानी भिगोया हुआ। और ऑयल आप देख सकते हैं, ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, 1 कप के करीब मैंने ऑयल लिया है और मैंने इसको गर्म कर लिया अच्छे से, गर्म हो चुका है। इसमें मैं अब ये प्याज ऐड कर रही हूँ, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, और यहाँ मटर अभी मेरे बॉईल हो रहे हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, और जैसे प्याज ब्राउन हो जाती है इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। सो गाइस, यहाँ प्याज मेरी ब्राउन हो चुकी है, इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ये टमाटर जो मैं इस तरह पीस के रखे हुए हैं इस तरह मैं इसको ऐड कर रही हूँ। और यहाँ असर की अजाने भी हो रही हैं, आप
आवाज़ आ रही होगी। जैसे मेरा मसाला ब्राउन हो जाता है, मतलब मसाला बन जाएगा अच्छे से, इसमें पे 2 मिनट में टमाटर को भूनूंगी। आज क्या अलग तरीके से बना रही हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं। जहाँ मटर बॉयल होने, जैसे मटर बॉयल हो जाएंगे, अंडे आलू मटर बना रही हूँ आज अपने स्टाइल से। अब मैं इसमें स्पाइसेस रखे वो इसमें ऐड कर दी, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं इसमें। मैं उसके साथ होने वाला कुछ भी सही कर रही, इसमें अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। सो गाइस, आप देख सकते हैं मसाला मेरा अच्छे से माशाल्लाह भुन चुका है, और मटर बस थोड़े से रहते हैं, वो भी गलने वाले हैं। और यहाँ मैंने आलू पानी से अलग कर लिए थे क्योंकि उस टाइम बहुत गर्म हो रहे थे। और इस तरह मैंने अंडों को कट कर लिया, आलू को पहले मैंने इस शेप में कट किया हुआ था, और बर्तन वगैरह भी जमा है। जैसे बस ये डालूंगी फ़ोन से मैं अपना किचन समेटूंगी, क्योंकि अजान ऊपर इनकी नानी के पास है, मुझे अजान को भी लेना है, क्योंकि अजान की रोने की बहुत आवाज़ आ रही थी, इनकी खला को चुप करा रही थी। और मसाला देखे बहुत अच्छे से माशाल्लाह भुन चुका है मेरा, और मसाला ऑयल से अलग हो चुका है, तो समझो आपका मसाला रेडी है। सो गाइस, यहाँ पर मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है, भून चुका है माशाल्लाह बहुत अच्छा। और इसमें मेरे पास ये आधी कटोरी रख दही थी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं इसको अच्छे से फेंट दिया था दही को ना, अब दही को इसमें अच्छे से भून लूँगी। फिर इसके बाद मैं इसमें अंडे और आलू ऐड करूँगी, और मटर गल जाएंगे फिर मटर इसमें कॉर्न से ऐड कर दूँगी। आप लोग इस तरह बना के देखिएगा, ट्राई करके देखें, बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है और झटपट बन जाती है। दही मेरा अच्छे से भून चुका है, इसमें पक गया है दही मसाले में, देख लो कितना अच्छा मसाला भून चुका था। एक मिनट के बाद मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। सो गाइस, यहाँ देखें दही और मसाला अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें टमाटर आलू और मटर ये दोनों ऐड कर रही हूँ। ये रेड ना ग्रीन और वाइट माशाल्लाह बहुत कलर प्यारा है इसका, ये मैंने ऐड कर दिया। अंडे मैं इसमें लास्ट में ऐड करूँगी, इन दोनों चीज़ों को मैं फिर अच्छे से भून लेती हूँ। देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया इसका, और इसमें मैं अंडे ऐड करूँगी, 2 मिनट इसको भून लूँगी फिर अंडे ऐड करूँगी। और इसी स्ट्रेस पर मैं ये 2 हरी मिर्च जो काट के रखी थी इस तरह की, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले में अच्छे से भून जाएँ। और 5:30 हो चुके हैं, मैंने कहा जल्दी से मैं खाना बना लूँ। जैसे मैं डिश रेडी होती है मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। किचन को मैंने साफ कर लिया, बस मुझे असर की नमाज़ पढ़नी है और फिर आटा गूंद के रोटी डालनी है, क्योंकि पापा आ जाएंगे 8 बजे तक। 8 बजे से आएंगे फिर हमें बाहर लेके जाएंगे, कुछ मेरे किचन की चीज़ें बाहर लेनी है, और सब्जी वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो पापा ने कहा था आज मैं आपको ले चलूँगा, तो मैं अपना सारा सौदा लेके आऊँगी आज इनके पापा के साथ जाके। और 8 बजे वही हमारे गैस की रोटी है, अभी तक सही नहीं, 8 बजे हमारी गैस चली जाएगी। चलें जी, हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, और इसमें पानी ऐड नहीं किया, इस तरह का बनाया है, ग्रेवी टाइप बना हुआ है, इसको लोग अंडा ग्रेवी बोलते हैं, लेकिन मैं इसको अंडा कड़ी बोलूँगी क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अच्छा बना हुआ है। अंडे आलू भुने हुए बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ये मैंने अपने स्टाइल से बनाए हुए हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं
ये आलू मटर ये इतने अच्छे से भून चुके हैं मसाले में, ऑयल ऊपर आ चुका है, मतलब मसाला मेरा रेडी है। ओके, मैं अब इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ और इसी स्टेज पे मैं इसमें अंडे बेट करूँगी। और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी डिश रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनी हुई है, खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है और मैं टेस्ट किए जायका इसका बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी इस तरह बना के देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है, इजी और सिंपल रेसिपी है। आप लोग भी इस तरह बना के देखें, बहुत अच्छी बनेगी। चलें जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कर रखिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।